चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी कार्यालय, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और पंडित दीनदयाल के पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है। बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो हम सबको छोड़ करके चले गए और वो रहस्य आज भी बना रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम अवधि में भारतीय जनसंघ को जो गति दी, ताकत दी, उससे हम लोग प्रेरणा लेकर के आज अभी जो भारतीय जनता पार्टी का विशाल स्वरूप और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और विचारधारा को लेकर के चल रही है, उसके मूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ मंत्र है, दृष्टि है, जिसको हम सब लोग लेकर के चल रहे हैं। जहाँ तक उनके खुद का व्यक्तित्व का सवाल था, हम सब जानते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें कई प्रकार के गुण होते हैं। वो बहुआयामी के धनी थे, बहु प्रतिभा के धनी थे और एक शख्सियत ऐसे थे जिसमें राजनेता के गुण भी थे, संगठक के गुण भी थे और विचारक के गुण भी थे। 3 in 1 थे और उन्होंने हम सब लोगों को, संगठन को भी मजबूत किया, विचार भी दिया और साथ ही साथ राजनेता के तरीके से नेतृत्व भी उन्होंने प्रदान किया। हम सब जानते हैं कि उन्होंने एकात्म मानववाद का मंत्र दिया, जिसको लेकर हम सब लोग, हमारी सरकारें, हमारा नेतृत्व उसको लेकर के आगे बढ़ा है। ऐसे अटल जी के शब्दों में कहें तो राजनीति उनके लिए साध्य था, साधन था, साध्य नहीं था, वो साधन के रूप में उसको इस्तेमाल किया उन्होंने और इसी बात को वो आगे बढ़ाते चले गए। हम सब लोगों ने अपनी सरकारों में अंत्योदय को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी को साकार करते हुए जो मंत्र आगे दिया सरकार में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उसी का, उसी मंत्र को अंत्योदय, एकात्म मानववाद को बढ़ाते हुए